दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए एक नहीं दो ऐसे पेपर टॉय बनाए हैं जिन टॉय के साथ आप लोग को खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। और ये दोनों टॉय फ्लाइंग टॉय होने वाला है दोस्तों, तो इन दोनों टॉयस को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। इन टॉय के साथ खेलने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग किड्स हो तो आप लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक पेपर ले लिया है और उसको बीच से कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसको निकाल लेना है। उसके बाद उसके एक किनारे को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करके जाना है। हम बराबर फोल्ड करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करना है इसी तरीके से दोस्तों। देख सकते हैं मैं जिस तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको उल्टा करके उसको इस तरीके से दोनों किनारों को इस तरीके से कुछ चिपका लेना, इस तरीके से कर लेना है और इसको ग्लू की मदद से चिपका लेना है। चलिए दोस्तों पहले हम इसको फेविकॉल से चिपका लेते हैं। वो दोनों किनारे को इस तरीके से कुछ इसके दोनों किनारे को इसी तरीके से कुछ मिला लेना है और इसको फेविकॉल की मदद से इस तरीके से कुछ चिपका लेना है। इसको चिपका लेने के बाद दोस्तों एक और पेपर ले लेना और इस पेपर के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में फेविकॉल की मदद से इसको भी इसके ऊपर में चिपका लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों मैंने जिस तरीके से चिपका रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी चिपका लेना है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर के दोनों किनारे को हल्का हल्का इस तरीके से कुछ राउंड कर देना है। टॉय बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। चलिए अब इसको टेस्ट कर देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रॉ ले लिया है दोस्तों। इसी स्ट्रॉ की जगह आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक पेपर ले लेना है और इस पेपर को फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और ये पेपर थोड़ा हार्ड पेपर है दोस्तों। अब दोस्तों इस पेपर को कैंची की मदद से उसके किनारे वाले भाग से कुछ इस तरीके से कट करेंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं दोस्तों। मैं जिस तरह से कट कर रहा हूँ आप लोग भी उसी तरह से कट कर लीजिएगा। कट हो जाने के बाद दोस्तों ये हमारा प्लेन का डिज़ाइन बन चुका है। अब दूसरे पेपर के दोनों किनारे को फोल्ड कर लेना है दोस्तों। फोल्ड हो जाने के बाद हम फेविकॉल की मदद से इन दोनों पेपर्स को अपने स्ट्रॉक में चिपकाना है। चलिए दोस्तों पहले इन दोनों पेपर्स को अपने स्ट्रॉक में चिपका लेते हैं। उसके बाद एक और पेपर ले लेना है और इस पेपर को कुछ गोल शेप में कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड कर लेने के बाद इसको हमारे प्लेन के डिजाइन के सामने वाले में भाग में कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। तो दोस्तों अब हमारा फ्लाइंग टॉय बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम उड़ा कर देखते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा फ्लाइंग टॉय वर्क कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलता हूँ, मिलते हैं किसी तरह के और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।